हमेशा से ही शहर के आम जनमानस के लिए सोचने वाले समाज सेवी एवं नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा आचार संहिता हटते ही एक बार फिर वर्किंग मोड में आ गए हैं। सबसे पहले उन्होंने पानी की समस्या को लेकर सुध ली। वहीं आज नगर पालिका में आयोजित बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि नई टेंडर लगाने के समय व्यर्थ न करें। वहीं उन्होंने बताया कि पुराने रेट पर ही नालों की सफाई कराई जाए। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा हमेशा ही गुनाह के लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। यही कारण है कि ढाई महीने आचार संहिता लगने के बाद भी वह आगे समय बर्बाद करना नहीं चाहते और बारिश का मौसम आने से पूर्व भी नाले और नालियों की सफाई करवाने के लिए उन्होंने ये बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में नगर पालिका अधिकारी संजय श्रीवास्तव भी शामिल रहे। आज सीएमओ साहब और हमारे तेज सिंह जी के साथ हमने बैठक की है, क्योंकि ढाई महीने से आचार संहिता लगी हुई थी और 15 जून से पानी हमारे नगर में और पूरे देश में पानी की व्यवस्था हो जाती है बारिश की, तो नालों की सफाई, निचले बाजार रपटे की सफाई, जो नाले हैं गुलाबगंज का, कैंट का, मुक्ति धाम वाला, निचले बाजार का और शहर के नाले जितने, उनकी सफाई के लिए हम टेंडर नहीं लगा सकते। पुरानी दरों के आधार पर हम सफाई कराएंगे, उसकी हमने आज बैठक करी है, उसकी चिंता करी है कि वो जल्दी जल्दी एक दो दिन के अंदर व्यवस्था करके और उसकी सफाई की व्यवस्था शहर में नालों की शुरू प्रारंभ करें।